बॉलीवुड के मिस्टर इंडिया यानी अनिल कपूर को फिल्म इंडस्ट्री में 40 साल पूरे हो गए। 67 साल की उम्र में भी स्क्रीन पर उनका जलवा कायम है। नाना बनने के बाद भी उनकी फिटनेस किसी यंग मैन की तरह बरकरार है। अनिल कपूर ने 1983 में फिल्म वो सात दिन से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। अब उन्होंने एक्टिंग करियर में 40 साल पूरे कर लिए हैं। ऐसे में अनिल कपूर ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी का इजहार किया है। उन्होंने एक पोस्ट के जरिए बताने की कोशिश की है कि वो पिछले 40 सालों से वही काम कर रहे हैं जो उन्हें पसंद है। अनिल ने पोस्ट में आगे लिखा, मैं यही का हूँ, यही मुझे करना है और मुझे यही होना चाहिए। इस मुकाम तक पहुंचने में बहुत से लोगों ने मेरी मदद की है, लेकिन मैं खास तौर पर दिवंगत बापू साहब, मेरे भाई बोनी कपूर और मेरे पापा सुरेंद्र कपूर को शुक्रिया कहना चाहता हूं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे वो सात दिन में पहला मौका दिया। एक्टर ने पोस्ट में आगे कहा, मैं नसीरुद्दीन शाह और पद्मिनी कोल्हापुरी का भी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, जिन्होंने एक न्यू कमर को मौका दिया। उनके स्टारडम ने मुझे उम्मीद से कहीं ज्यादा चमकाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसका क्रेडिट इन दिग्गजों और आप सभी से मुझे मिले प्यार को जाता है। इन 40 सालों के पूरे होने के मौके पर मैं द नाइट मैनेजर पार्ट 2 और एनिमल के साथ दो बेहद खास अवतारों में आपके पास आ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे वैसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे जैसे कि हमेशा करते रहे। उनके इस पोस्ट पर फैंस के साथ साथ सेलेब्स ने भी रिएक्ट किया। फराह कुंदर ने लिखा, पापा जी टू अनदर 40 ईयर्स। तो वहीं एक्टर ऋतिक रोशन ने लिखा, एंड योर बेस्ट वर्क जस्ट कीप्स गेटिंग बेटर, यू आर एट योर बेस्ट इन फाइटर, टू टू गुड। तो वहीं शिल्पा शेट्टी ने लिखा, लेजेंड अनिल कपूर। अनिल कपूर द नाइट मैनेजर्स पार्ट 2 में आदित्य रॉय कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करते दिखाई देंगे और वहीं एनिमल में रणबीर कपूर के साथ नजर आने वाले हैं।